अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि YouTube के लिए थंबनेल कैसे बनाया जाता है और इसके लिए सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पर एक ऐप डाउनलोड करना है, पिक्सेल लैब, पिक्सेल लैब। ये ऐप है जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो मैं क्या करूँ, सिंपली इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको मोबाइल को रोटेट करता हूँ। करने के बाद ये हमारे पास ऐप का जो है फर्स्ट लुक है, तो इसको भी मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले YouTube के लिए उसका साइज़ सेट करता हूँ। तो यहाँ क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ पे नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ जाने के बाद इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। इमेज पे क्लिक करने के बाद एक अच्छा सा एक बैकग्राउंड इसके लिए मैं यहाँ लाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। करने के बाद इसका साइज बनाता हूँ मैं यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी यूट्यूब थंबनेल है, इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ। ये यूट्यूब थंबनेल के लिए सेट हो गया। ये करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए कोई एक इमेज यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करूँगा। करने के बाद डाउनलोड में मेरे पास कोई पिक्स पड़े हुए हैं, तो ये पिक मैं उठाता हूँ। उठाने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसके साइज़ में थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। इसके बाद इसका साइज़ आप सेट करें, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अपने हिसाब से ये आपने सेट करना है। करने के बाद ये हो गया हमारा इमेज। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ कुछ लिखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्लस टेकन पे दोबारा क्लिक करना है यहाँ पर। फिर ये जो भी काम आपका कंप्लीट हो गया इसको आपने क्या करना है, लॉक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। फिर आप इधर जो भी काम करेंगे ये आपका पिक्चर हिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद प्लस टेकन पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक थंबनेल बना रहा हूँ, इसके लिए कुछ टेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हाउ टू गेट इंस्टाग्राम लिंक। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कुछ हाउ टू गेट इंस्टाग्राम लिंक। इसको मैं डन करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये है, इसको रोटेट करके इसको सीधा भी कर सकते हैं। तो इससे इसको बड़ा इस तरह करने के बाद इसको यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आप इसको कलर यहाँ से आप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर भी बना सकते हैं। ये इधर से भी आप कोई अच्छा सा कलर आप इसके लिए बना सकते हैं। सॉरी, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, तो इसको नहीं करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर इसको साइड पे ले जाता हूँ। यहाँ जो ए में क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ कलर पे क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करने के बाद कोई एक कलर सेलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी का, ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ येलो सेलेक्ट करता हूँ, ओके करें। फिर यहाँ पर साइज़ बढ़ा सकते हैं। फिर मैं फॉन्ट साइज़ फॉन्ट इसको चेंज करना चाहता हूँ, फॉन्ट पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट करना है, ओके कर दिया। करने के बाद इसको यहाँ पर स्ट्रोक इसके एड के लाइन लाने के लिए स्ट्रोक को बड़ा छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मेरा हाउ टू गेट इंस्टाग्राम लिंक, ठीक हो गया। फिर आप यहाँ से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं आप अपनी तरफ से। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई रेड कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया। करने के बाद ये हो गया। अगर एक और टेक्स्ट लाना है तो इधर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट करके मैं यहाँ लाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक इंस्टाग्राम लिंक। ये इसको रोटेट करके आप सीधा कर सकते हो। यहाँ पर भी आप इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो। इसमें थोड़ा एडिटिंग और करता हूँ। हाउ टू मेक इंस्टाग्राम लिंक यूजिंग व्हाट्सएप। आज मैं व्हाट्सएप के जरिए बना रहा हूँ। टी व्हाट्सएप, ओके हो गया। इसको आप बैकग्राउंड कलर भी ला सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें, बैकग्राउंड कलर डाल के इसको इनेबल कर दें। करने के बाद कलर भी आप ला सकते हैं इसमें कोई। ये करने के बाद फॉन्ट फिर से चेंज करें हमने। फॉन्ट पे क्लिक करके कोई अच्छे से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर दें, ओके कर दें। इसको इस तरह करके बड़ा करना चाहिए, हो गया। करने के बाद फिर स्ट्रोक लें ताकि खूबसूरत हो जाए। इसमें स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं, स्ट्रोक का कलर यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ओके हो गया। फिर अगर इसका शेडो लाना चाहते हो, शेडो का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। शेडो का कलर मैं येलो करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया, ओके हो गया। हाउ टू मेक इंस्टाग्राम लिंक यूजिंग व्हाट्सएप। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मैं पिक्चर लाना चाहता हूँ, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। इनको भी आपने लॉक करना है, ये लॉक हो गया। करने के बाद देखिए आप इसमें जो भी करेंगे यही लेंगे नहीं। फिर मैं एक और इधर पिक लाना चाहता हूँ, तो उसको लेकर नहीं है।
जाने के लिए अपने प्लस के आइकन पे क्लिक करें, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करें। करने के बाद डाउनलोड में फॉर एग्जांपल मैं कुछ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का एक लिंक यहाँ पे, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों इधर मौजूद हैं, तो इसमें मैं व्हाट्सएप को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो व्हाट्सएप का अलग मेरे पास नहीं है, तो यही व्हाट्सएप को मैं सिर्फ व्हाट्सएप को लाना चाहता हूँ। ओह शिट, चलो इसको व्हाट्सएप की साइड पर रखता हूँ मैं। करने के बाद इसको इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, इसका भी आप स्ट्रोक बना सकते हैं कलर। इसको स्ट्रोक फॉर एग्जांपल मैं इनेबल कर दिया। इसको स्ट्रोक करने के बाद इसका स्ट्रोक कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। व्हाट्सएप हो गया, मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम का भी एक पिक्चर यहाँ हो जाए, तो प्लस की क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा तो इंस्टाग्राम का भी कोई पिक यहाँ मौजूद होगा। देखिए यहाँ पर ही है, तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट कर दूँगा कि सिर्फ इंस्टाग्राम मुझे चाहिए इस बार। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से अड़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा ये भी हो गया। यहाँ पर कोई एरो लाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं, एरो को भी यहाँ से बना सकते हैं। इसको साइड पर रखता हूँ। ये करने के बाद फॉर एग्जांपल इसको भी अगर कलर देना देना है, तो यहाँ पर कलर पे जाते हैं, कोई भी कलर यही मैंने करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें करने के बाद फॉर एग्जांपल इनको भी लॉक करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये भी लॉक, ताकि फिर इसमें काम करने में ये मसला ना करें। फिर मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो लॉक पे क्लिक करके पिक्चर पे जाके पिक्चर को अनलॉक करके फिर इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। अब पिक्चर के भी पिक्चर में जाने के बाद इसका भी स्ट्रोक बनाते हैं ताकि खूबसूरत लगे। स्ट्रोक को आप इस तरह बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक के कलर को ब्लैक येलो करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं, माय फेवरेट कलर। तो इसको आप छोटा करें थोड़ा, ये हो गया। ये भी होने के बाद मैं एक यहाँ पर नीचे एक हुड में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो फिर पिक्चर को फिर से मैं लॉक करता हूँ। पिक्चर को लॉक करता हूँ, करने के बाद यहाँ पर इनको थोड़ा छोटा करता हूँ, ये व्हाट्सएप और इसको। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से इनको अनलॉक करूँगा, किस चीज़ को, व्हाट्सएप को और तीर को, इन तीन चीज़ों को मैंने छोटे करना है। तो क्या करूँ, इधर से आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसको भी फॉर एग्जांपल इधर से भी कर सकते हैं और साइड पे भी इसको छोटा कर सकते हैं। ये करने के बाद नीचे मैं लिखता हूँ कुछ उर्दू में, तो इनको दोबारा ला करता हूँ, इसको मैं सीधा ही करता हूँ। सीधा करने के बाद इनको थोड़ा बढ़ाएं, यहाँ नीचे कुछ उर्दू में मैं लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए फिर से दोबारा मुझे जाना पड़ेगा प्लस लिखन पे, इधर टेक्स्ट पे क्लिक करके इन चीज़ों को पहले ला कर दूँ। ये ला के ला के ला के हो गया, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या हो गया, इसको मैं शायद ला कर दिया टेक्स्ट को। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कुछ उर्दू में लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि चलो इंस्टाग्राम 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 लिंक ग्राम लिंक लिंक बनाने का आसान तरीका डन। ओके, तो इसको पकड़ के, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, तो मैं इसको यहाँ से बनाऊँगा। इनको मैं कट करता हूँ, तो शुरू में ही इनको पेस्ट करता हूँ। तो ये इस साइड पे नहीं आता है, तो इंग्लिश इस साइड पे जाता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फोटो में लिखना होगा इंस्टा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम लिंक बनाने का इंस्टाग्राम लिंक बनाने का आसान तरीका तरीका डन। इंस्टाग्राम लिंक बनाने का आसान तरीका। ओके, इसको भी यहाँ करते हैं, ये इसके लिए काफ़ी जगह, तो इसको बड़ा करते हैं ताकि ये सही तरह से नज़र आ जाए।
तो इसका भी मैं अभी करता हूँ, क्या करना है, ए पे क्लिक करके यहाँ कुछ एडिटिंग करता हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इस बार कोई अच्छा सा कलर लाना है। चलो मैं ये नहीं करता हूँ, इधर से ये कर दिया मैंने इंस्टाग्राम लिंक। चलो इसको थोड़ा इधर तक लाते हैं, ये हो गया, थोड़ा इसको नीचे लाते हैं। करने के बाद अब फॉन्ट साइज़ को मैं दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके, फॉन्ट का ये हो गया। करने के बाद इसमें थोड़ा और चेंजेस मैं करता हूँ, यहाँ स्ट्रोक कुछ लाना चाहता हूँ तो स्ट्रोक का कलर दोबारा से मैं यहाँ येलो येलो करता हूँ, तो ये अच्छा नहीं होता है। चलो इसको हम ब्लैक ही करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं ओके। करने के बाद ये इस तरह बन गया। ये बनने के बाद मैं इसके थोड़ा एक शेडो लाना चाहता हूँ ताकि अच्छा खूबसूरत बने शेडो का कलर। चलो इस बार येलो करता हूँ, थोड़ा बढ़ाता हूँ उसका कलर ओके। ये काम जितना आप करेंगे इतना इसका आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ये आप आसानी से बनाएंगे इसका। चलो एक रिफ्लेक्शन ऑन कर देंगे नीचे भी, ओके हो गया। ये तकरीबन मेरा थंब नेल बन गया। अब मैं कुछ चेंजेस शेयर करना चाहता हूँ। ये तीर को अनलॉक कर दिया, करने के बाद इसमें थोड़ा स्ट्रोक को मैं चेंज कर दूँगा इनेबल। इसको भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, कलर अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं इसको ओके। करने के बाद इधर स्ट्रोक ऑन करने के बाद इसको भी मैं करता हूँ, ये लो स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं, ये बन गया ओके। अब मैं ये इसमें थोड़ा चेंजेस लाना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इंटर करने के बाद दो स्पेस आगे की तरफ ले जाता हूँ, इंटर वन ओके। इसको भी मैं ओ ये बहुत बड़ा कुछ थी, इसको मैंने लाग नहीं किया तो फिर ये हिला अपनी जगह से, ये फिर से इसको रीपोजिशन करना पड़ेगा अब। चलो ये बन गया, फिर इसको लॉक करता हूँ, ये भी लॉक, तीर को लॉक करता हूँ, इसको भी लॉक करता हूँ, इसको भी लॉक करता हूँ। करने के बाद एक ये रहेगा, इसको थोड़ा बनाना है, काफ़ी बड़ा हो गया तो इधर से भी आप छोटा कर सकते हैं। अगर इधर से नहीं हो रहा तो इधर साइज़ भी आके इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं आसानी से। बैकग्राउंड कलर थोड़ा इस एक साइड में बढ़ाना है, तो इसके लिए बैकग्राउंड पे क्लिक करके नीचे आके राइट पेंडिंग ओके कर दिया, तो देखिए इस तरह बन गया। ये बन गया मेरा यूट्यूब थंबनेल, और मैं आप लोगों को भी दिखाया कि इसको कैसे करते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ये पहला वाला जो मैंने दिखा था, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं अनलॉक करके फिर इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। बनने के बाद आखिर में हम लोगों ने क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पर फ्लॉपी के आइकन पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज कर दें, सेव एज इमेज कर दें, तो फिर बस कुछ नहीं करना, सेव टू गैलरी करना है। ये बन सेव हो गया मेरे गैलरी में, तो मैं गैलरी में जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं अब सिंपल सा आपने क्या करना है, गैलरी में जाएं, जाने के बाद देखें यहाँ ये बन गया मेरा इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब का थंबनेल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।